हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कभी कभी आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। अब ये दिक्कत क्या है जरा गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं और इन्होंने कुछ कोर्स ले रखा है, जैसे पाइथन ये राम का है, ये श्याम का जावा है, अविनाश का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एमएस एक्सेस, और यहाँ पर अविनाश का फिर जावा है। तो अलग अलग कोर्सेज हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर पाइथन वाले सारे कोर्सेज जिन बच्चों ने ले रखे हैं उनके नाम आ जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पर नहीं, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो इस तरह से तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका फॉर्मूला है फिल्टर का, तो यहाँ पर लगाइएगा फिल्टर FILTER। जैसे ही फिल्टर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर एरे दिया गया है, एरे में क्या आएगा, एरे में ये आएगा, ये पूरा जो है एरे में आएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, ये पूरा ही एरे में ले लेना है, इस तरीके से ये ले लिया यहाँ तक। ठीक है, अब F4 दबा के इसको फ्रिज कर देना, यानी डॉलर लग जाएगा चारों ओर, यानी कि रो के पहले भी और कॉलम के पहले भी। फिर इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर भी F4 दबा के प्रेस करना है, यानी डॉलर लगा लेना और इज इक्वल टू का निशान लगाना है और यहाँ पे टाइप करना है क्या, पाइथन, क्योंकि पाइथन वाला ही हम ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पे PYTHON पाइथन कर दिया और डबल कोट कॉमा क्लोज किया, एंटर किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके नाम आ गए हैं, आ गए हैं ना। अब हमको जावा वाला ढूंढना है, तो जावा वाला यहाँ पे लिख दिया जावा और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, वही फिल्टर का फॉर्मूला FILTER फिल्टर हो गया। अब तेजी से आप ये काम कर सकते हैं, यहाँ से जाइए, उठाइए इसको यहाँ तक, बस यहीं तक सेलेक्ट रहेगा, F4 दबा के प्रेस कीजिए, कॉमा दीजिए, फिर यहाँ पर आइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ तक आकर के क्या करना है आपको, F4 दबा के प्रेस करना है, इज इक्वल टू का निशान और फिर यहाँ पे ये भी ये जावा लिखिए, बंद कीजिए, एंटर कीजिए, बस हो गया काम। तो ये जावा वाले स्टूडेंट है। अब जरा सोचिए जावा वाले इतने सारे स्टूडेंट कैसे हो गए। तो मैं एक काम करता हूँ, जावा को एक अलग कलर से, डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता चलता हूँ। ठीक है, उसको देखिएगा आप, जैसे ये श्याम जो है जावा इन्होंने ले रखा है, तो इसी कलर में मैं हाईलाइट करूंगा। ठीक है, देखिए एक तो श्याम हो गए, दूसरा कौन हो गया, अविनाश हो गए, देखिए यहाँ से मैं उसी कलर में इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तीसरा कौन हो गया, तीसरा अमित, ठीक है, ये भी जावा वाले हैं, तो इसी कलर में हाईलाइट कर दिया। अब कौन है चौथा, चौथा जो है नगमा है, तो इसी कलर में इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये हो गया। फिर पचवा कौन है, फिर पचवा सीता है, तो इसको भी इसी कलर में हाईलाइट कर देता हूँ। और भी कोई है क्या जावा वाला, तो ये छठवां और सातवां देख सकते हैं, सात हैं फिर जावा वाले, तो ये छठवां हो गया। ठीक है, छठवां स्टूडेंट जो भी है, और ये सातवां स्टूडेंट सोनू है, मोनू और सोनू ये छठवें और सातवें स्टूडेंट हैं। तो देखिए ना जावा में कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट के नाम खाली आएंगे। तो इज इक्वल टू फिल्टर लगाइए, अब जल्दी से करके दिखाता हूँ, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया पूरा प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ से गया, इसको सेलेक्ट किया, नेक भी कम नेक भी ज़्यादा वहीं तक रहना है आपको, F4 दबा के प्रेस करना है, कॉमा देना है और फिर यहाँ से जाना है, इसको जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया, F4 दबा के प्रेस कीजिए, इज इक्वल टू, यहाँ आपको प्रेस करना है बंद करके एंटर। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही देख सकते हैं MS Access वाले सारे स्टूडेंट्स के नाम आ चुके हैं, तो पहला अविनाश और दूसरा सुमित। तो ये देखिए अविनाश MS Access, ठीक है, मैं इसे क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, दूसरा सुमित MS Access है। ठीक है, फिर देखिए फिर कौन MS Access वाला है, ये देखिए यहाँ पर ये रत्नेश है MS Access वाले, तो रत्नेश का भी नाम आया हुआ है। फिर कौन है MS Access वाला, यहाँ पे नाजिया है MS Access पढ़ने वाली। ठीक है, और कोई है, रीता है, तो ये देखिए रीता का भी नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पर फिल्टर जो किया, ये हो गया गीता। ठीक है, और भी कोई है क्या, देखिए नीचे अब तो कोई नहीं है, तो यानी जो भी स्टूडेंट है उनके नाम आप लेके आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला काफी मजेदार है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।